अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज हस्बैंड सुबह ही फ़िश ले आए कि आज लंच में आप फ़िश फ्राई करें और मटर पुलाव बनाएं, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। फ़िश मैंने धो ली और अब इसको मैरिनेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है, उसमें मैंने डाली है हाफ टी स्पून अजवाइन, कुटी हुई मिर्च डाली है 1 टीस्पून, गरम मसाला डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, हल्दी डाली है 1 टीस्पून, चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून, चावल का आटा इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, और सूखी हुई मेथी मैंने इसमें डाली है 1/2 टीस्पून, और 2 लेमन मैंने जूस निकाल के वो डाला है इसमें। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करी और इसमें मैं कोट कर दूंगी फ़िश को। बस इसको फिर मैं रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, टेरिस में आ गई थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, सुबह से ही बहुत प्यारा मौसम हुआ है। बस घर के रूटीन के काम भी निपटाए जल्दी जल्दी मैंने। अब आगे किचन में मटर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। मटर पुलाव के लिए मैंने पूरा खड़ा गरम मसाला लिया है, वो ऑयल गरम करके इसको डाला, और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज हमने डार्क ब्राउन करने हैं, बस प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें मटर डालेंगे। पिसा हुआ अदरक लहसुन डालूंगी 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के फ्राई करें अच्छी तरह, और फिर इसमें पानी डाल देंगे इतना जिसमें मटर गल भी जाए, उसी में चावल भी पक जाए। इनसे मैं यही कह रही थी, आज तो मौसम इतना अच्छा है, हमें तो कहीं बाहर चलना चाहिए, लेकिन आप लेके आ गए फ़िश, तो अब घर में ही फ़िश बननी है, वो तो फ्रेश फ्रेश ही बनती है। मटर पुलाव दम पे रख के मैंने ऑयल रख दिया था गरम पे, बस अब इसमें मैं फ़िश डालूंगी। काफ़ी टाइम हो गया था सब कामों में। बस जितनी फ्राई करनी थी मैंने कर ली थी, जो बची हैं उसे मैं फ्रीज कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम फ्राई हो जाएंगी। इन्हें काफ़ी भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो गई थी। गरम का ही तो मज़ा है। वैसे चाट मसाले की जरूरत नहीं है, बहुत मजे की बनी है, एहतियातन डाल के देख रहा हूँ, सही फ्लेवर आ रहा है सब चीजों का। शुक्र है, पसंद आ गई आपको। खाने से फारिग हुई, बस मैंने किचन समेटा जल्दी से, सारा बहुत फैल गया था, सिरके का पानी, बस चूल्हे भी बहुत गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा, और स्मेल अजीब सी हो जाती है किचन में फिश के बाद, तो बस सिरके का पानी बना के पूरा मैंने अपना किचन साफ़ करा, स्लैब साफ़ करे, चूल्हा साफ़ करा। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे शाम की चाय पिलाई। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अब दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।